हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय कुमार। मेरे चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं 1 महीने से ज़्यादा हो गया मैं वीडियो कोई अपडेट नहीं कर पाया हूँ। मैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कहीं बाहर था और जैसे ही फुर्सत हुई मुझे, मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं कोई वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो नहीं लेकर आया हूँ। आज मेरा सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें मैं बताना चाह रहा हूँ इस ग्लिसरीन सोप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस ग्लिसरीन सोप के बारे में, और ये जो ग्लिसरीन सोप है ना, ये बहुत ही अच्छा एक साबुन है जिसको बहुत ही आसान और इजी तरीके से आप घर से बना सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए सिर्फ सिर्फ 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको जिससे ये सोप बनकर तैयार हो जाती है। पहला ग्लिसरीन सोप बेस, दूसरा परफ्यूम, तीसरा कलर, चौथा लगेगा आपको सिलिकॉन मोल्ड जिसमें आप साबुन को सेप देंगे। इसको मेल्ट करना है ग्लिसरीन सोप बेस को, और इसमें पोर कर देना है परफ्यूम और कलर ऐड कर देना है। अपने हिसाब से आपका साबुन तैयार हो जाएगा। इसको आप आसानी से बाजार में बेच सकते हैं, बहुत कम दाम में बनने वाला है ये। ग्लिसरीन सोप का कीमत इस समय जो बाजार है वो 100 रुपये किलो में आपको इसका बेस मिल जाएगा बाजार से, इसलिए मिल जाएगा। इंडिया मार्ट में सर्च करेंगे आपको बहुत सेलर मिलेंगे, वहाँ से आप किसी से परचेज करके ले लीजिएगा। और कलर और परफ्यूम मिला करके ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 12.5 रुपये का आपको बन के पड़ जाएगा, जो कि होल सेल प्राइस में 20 रुपये का बिक जाता है आराम से, और रिटेल में ये बिकता है 30 रुपये का साबुन। खादी ग्राम उद्योग में ज़्यादातर यही साबुन बेची जाती है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, इसमें ग्लिसरीन की मात्रा ज़्यादा होती है, कोकोनट ऑयल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा कम होती है, पैराबिन फ्री होता है, तो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको पता है कोकोनट भी अच्छा होता है और ग्लिसरीन भी। ग्लिसरीन मतलब जो स्किन का पोर्स है ना, उसको बंद नहीं होने देता। परफ्यूम इसके अंदर ऐसी डालिएगा जो आपके स्किन के पोर्स को बंद ना करे, अच्छी परफ्यूम डालिएगा तो बहुत ईजी प्रोसेस से साबुन बन जाएगा। इसका मैं मेकिंग प्रोसेस का वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक का बटन दबा दें।